ये है तिल वाले बिस्किट, स्पाइसी वाली रोटी है, इसका भी शोरमा बनता है। इस देखो यहाँ पर कितने मिल की चॉकलेट रखी हो भाई, कितनी पत्थर वाली चॉकलेट। छोटी इलायची को ग्रिफा बोलते हैं और उसको पिसवा के लिया है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा जल्दी उठ गया, तो 6:30 बजे उठता था। ओहो, मॉर्निंग का समय और 6 बज रहा है अभी। ऐसे बैठ के इंतजार करना पड़ता है, अभी 5 मिनट से इंतजार कर रहे हैं हम। आ गए, अभी आ गए। तो गाइस ये रहा स्कूल, पूरे 20 मिनट के बाद छोड़ दिया। 20 मिनट का तो काम नहीं ना, लेकिन सुबह का समय जाम होता है रास्ते में, अगर जाम ना हो तो 10 मिनट में छोड़ के चले आए। जस्ट अभी छोड़े हैं, जा रहे सामोली खरीदने, मैडम का मैसेज आया व्हाट्सएप पे। ये आगे बकायदा चलते अंदर, ये बोलते है जुबना चीज। हो गई सामोली, वो कैसे खड़ी है? देखो ये है सामोली, इसकी सैंडविच बनती है। इस बकाले पे ताजी मिलती है और अच्छी भी रहती है, इस वजह से यहाँ पे से लेके आना पड़ता है, समझ रहे हो? ये देखो आप, सुबह के 7 बज गए, अभी जस्ट अभी सूरज निकला है। गाइस रूम पर आ गया, आज कई दिनों के बाद वर्कआउट कर रहा हूँ, उसके बाद नहा धो के फिर नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना होता है। आज कई दिनों के बाद वर्कआउट कर रहा हूँ गाइस। फाइनली नाश्ता रेडी हो गया और कल की तरह आज भी ब्रेकफास्ट है। ये स्कूल का समय हो गया है, अभी 11:30 बज गया है, आधा घंटा बाकी वैसे भी, तो चलते हैं स्कूल वाला काम पूरा करते हैं। स्कूल लेके आते बच्चों को, मेरी नींद आ रही थी लेकिन मैंने जैसे तैसे करके वीडियो को एडिट कर दिया है। इंशाल्लाह आज ब्लॉग जल्दी मिल जाएगा, शाम नहीं होगी। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखे अपने भाई से, थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, जो कमेंट करते हैं प्यारा सा, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि आपको अच्छा व्लॉग मिलता रहे और तुम्हारा भाई भी। जब आप एक लाइक करते हो वीडियो को तो और मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं और कोशिश करता हूँ और अच्छा अच्छा व्लॉग बनाऊँ और ज़्यादा बनाऊँ। आजकल ज़्यादा हो नहीं ना पा रहा, कई दिनों से आजकल व्लॉग लंबा नहीं हो पा रहा है। आपको तो पता ही होगा आज है बुध, लेकिन अरबी में यौमुल रुबा बोलते हैं। चलते अब यहाँ से मदरसा, लेके आते बच्चों को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गाइस ये मैंने लिया यूटर्न लाइन में लग के। आप ये बताओ गाइस कि जो है मेरे पास वीडियो है, मदीना जब गया था 2-3 ब्लॉग पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ उसको एडिट करके डालू कि ना डालू। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो प्लीज जाके फॉलो करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर अपने भाई से पूछे। वो बरसात से यहाँ तक के पर्दे खम्भे सब टेढ़े हो गए भाई, रोज की तरह आज भी आ गए स्कूल। A few moments later. ओहो गाइस, जस्ट अभी मदरसा छोड़ के आया हूँ, वैसे फोन आ गया, दूध ले लो, हलीब बोलती इसको, और ये पेप्सी डाइट भी बोला है। अभी आया हूँ स्कूल से छोड़ के बच्चों को, ये सामान खरीद लिया। जैसे ही गाड़ी से बच्चे उतरे हैं वैसे मैसेज आ गया कि ये सामान ला के, मैंने गाड़ी बंद भी नहीं किया, चलाया वापसी। आज बता रहे इतनी गर्म है, मेरी गाड़ी की एसी जो है काम नहीं कर रही थी, यानी कि ठंडी नहीं कर रही थी। ये आ गए रूम पर। गाइस ये क्या हो गया, मदरसा से छोड़ के आया उसके बाद जो सोया हो भाई, मजा आ गया। 5-6 बजे तक यानी 3 घंटे से ज्यादा सोया हूँ, जस्ट अभी उठाऊँ और शाम के 6 बज रहा है। ये मैंने दाल चढ़ा दिया, कल जो लाए थे अरहर वाली वही, अब इसको बघारेंगे बढ़िया। और आपको बता दें ये कुकर है ना, हर किसी के समझ में नहीं आता, ये सऊदी में ज्यादातर यही कुकर चलता है। अब जैसे दाल हो रही ना, ये सीटी नाच रही है, ये सीटी बोलती नहीं ना। अबे साले, बढ़िया रोटी के साथ खाते भूख लग रही है, दोपहर में खाना नहीं खाए, सो गए थे। देखो स्पीड बढ़ गई सीटी की, जस्ट से दाल बन रही है, लेके आते हैं रोटी। और जस्ट अभी मगरिब की अजान होने लगी है, मौसम काफी अच्छा है। 1 2 3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। गाइस जल्दी इस वजह से जा रहे हैं ना, नमाज के समय यहाँ पर दुकान बंद हो जाती है, देखो ये भी बंद होने वाला है, इस वजह से जल्दी जा रहे हैं। गरम गरम देख, एकदम गरम गरम है, भाप निकला है, छूने में भी गरम है, भाप निकल रहा है। ये है आटे वाली, इसको ले लेते हैं, गरम है सब, काफ़ी वैरायटी के यहाँ पे खाने पीने की रेटिंग है। ये जिसे इसको पूरी बोलते हैं और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अबे जल्दी बोल, इसको क्रेस्टून बोलते हैं और इसको बुफ जुबुन बोलते हैं, इसके अंदर चीज़ होती है, ये बहुत चीज़ है। ये है तिल वाले बिस्किट, स्पाइसी वाली रोटी है, इसका भी शोरमा बनता है। चलते हैं अब यहाँ से, बिल्ली कैसे देख रही है। अभी रूम पर जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। ये बन रही दाल,
जबरदस्त। तो गाइस अभी देख लो मगरिब के बाद कभी अंधेरा हो गया और मेरा खाना भी रेडी हो गया। ये रहा आज का खाना, रोटी और दाल, एकदम हेल्दी खाना। पैकेट में चार पीस होती है एक रियाल की। एक नंबर दाल बनी है गाइस, क्या मजेदार दाल बनी थी। ओ भाई बस एक चीज की कमी थी, कड़े पत्ती की। तो अभी जा रहा बाहर इसलिए क्योंकि रूम पे बैठे बैठे ना बोरियत सी हो जाती है, इसी बहाने थोड़ा व्लॉग भी बन जाएगा। हम निकल आए हैं काकिया तरफ, ये पूरा काकिया लगता है और ये सामने नर्सरी की दुकान है। रात में कुछ ऐसा दिखता है मक्का, लेकिन यहाँ पर लाइट आपको बता दे 24 घंटा रहती है, जल्दी लाइट नहीं जाती, अगर जाती भी है ना तो 5-10 मिनट के लिए बस। मैंने सोचा था चलो यार थोड़ा सा गाड़ी से घूम लेते व्लॉग बनाते, मुझे क्या पता ड्यूटी आ जाएगी। मतलब कि व्लॉग बन ही रहा था, मैडम का मैसेज आ गया कि सामान ला के दे दो, सामान में वही लेने आया हूँ अरीका। रहा बिल, पेमेंट हो गया। आज गाड़ी कितनी दूर पे खड़ी की है ना, वो वहाँ पे इस तरफ पार्किंग नहीं मिली। तो यहाँ का हो गया है गाइस, दो दुकान और बाकी है। 5 मिनट के बाद दूसरी दुकान पे आ गए, आइए चलते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है। देखो यहाँ पर कितने मिल्क की चॉकलेट रखी हो भाई, कितनी, ओहो क्या बात है, ये सब चॉकलेट है। तो गाइस मैडम से बात करा दी, अब ये दे रहे हैं। अब देख लो कितने वैरायटी की कॉफ़ी है यहाँ पर, ये देखो ये सब कॉफ़ी लगी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिल्क की कॉफ़ी है, इसको गहवा बोलते हैं अरबी में। इस तरफ लगे हैं ड्राई फ्रूट, ऐसा है इसमें गिशर कॉफ़ी, ये कॉफ़ी के लिए। तो गाइस यहाँ से पीते हैं गावा। ओ शुक्रान माफ़ी मुश्किल है सर। देखो गावा पीने का इंतजाम है यहाँ पर, और ये खजूर है पैकेट वाला, पिसा वाला यानी कि, इसका रेट है 11.50। ओहो जबरदस्त अरबिक गावा। हमने मशीन लगी है कॉफ़ी पीसने वाली, और ये देखो सबसे महंगा नमक 17 रियाल का, इतना सा पहाड़ी नमक है ये देखो गाइस कितनी बड़ी बड़ी है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, साले खड़े मसाले हैं, अखरोट, तेजपत्ता, जीरा। 50 रियाल का 1 किलो चॉकलेट है, देख लो कितनी वैरायटी की चॉकलेट लगे यहाँ पर। ये पत्थर वाली चॉकलेट, ये निकुल वाली चॉकलेट है, और ये चना। तो गाइस ये गिरफा, छोटी इलायची को गिरफा बोलते हैं, और उसको पिसवा के लिया है, बस इतना ना करा। यहाँ का भी काम हो गया, यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। गाइस देख लो ये सब भी करना पड़ता है, जो कहें सामान भी लाना पड़ता है। बात तो सही है, मेरा काम ज्यादातर यही है, अब बाकी सिर्फ खाली बकाला, बस वहाँ से देखते क्या मंगाती है। व्हाट्सएप में मैसेज आता है वही से खरीद लेते, थोड़ी बहुत अरबी तुम्हारे भाई को आती है, इतना समझ लेता है, जो है जैसा है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जब जब मैं इस तरफ से जाता हूँ ना, तो मुझे ये मकान पे अक्सर नजर पड़ती है। तो गाइस ये मैं पहुँच गया अपने रूम पर, अब गाड़ी को खड़ी करते हैं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज लाइक कर दें, और ये है केक में डालने वाला नेस्ले करके कुछ है, इसको ऊपर देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसी सपोर्ट प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।